एक बहुत बड़ी एक्चुअल पैन इंडिया फिल्म बन रही है दो सुपरस्टार्स के साथ, ब्लेड फाइनली आ रहा है पर डायनासोर के साथ। क्या था 3-2 का डिलीटेड सीन? सारे सवालों का जवाब मिलेगा नर्डी न्यूज एपिसोड 6 में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। जब से साउथ की फिल्में नॉर्थ में चलने लगी, हर एक साउथ फिल्म को हिंदी फिल्म में पेश किया जाता है एज अ पैन इंडिया फिल्म। पर अगर अटकलों की मानी जाए तो एटली जिन्होंने डायरेक्ट किया था शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान को, वो बना रहे असली पैन इंडिया फिल्म, क्योंकि उनकी अगली फिल्म होने वाली है एक टू हीरो फिल्म, जिसके लिए उन्होंने अप्रोच किया है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को और साउथ के लेजेंड कमल हासन को। इस साल अक्टूबर से इसकी प्री प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, इसकी शूटिंग जनवरी 2025 से शुरू होगी अगर रिपोर्ट्स की माने तो। सलमान फिलहाल सिकंदर मूवी करने में बिजी है, इसके बाद वो इस मूवी का शूट करेंगे। कमल हासन फिलहाल मणिरत्नम की फिल्म थग लाइफ की शूटिंग में बिजी है। अगर एटली ये कर पाए तो ये एक्चुअली पैन इंडिया फिल्म होगी जहां साउथ और नॉर्थ के दो बड़े सुपरस्टार्स एक फिल्म में दिखेंगे। ऐसा कुछ इससे पहले रोबोट 2 में दिखा था जहां रजनीकांत की फिल्म में अक्षय कुमार ने विलन का रोल निभाया था। इस दिवाली आ रही है दो बड़ी फिल्में, एक तो है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम 3, जहां अजय देवगन दिखेंगे अपने टिटुलर रोल में सिंघम। करीना कपूर अपने सिंघम 2 के रोल को रिप्राइज कर रही है। कॉप यूनिवर्स के दूसरे किरदार अक्षय कुमार है सूर्यवंशी, रणवीर सिंह है सिम्बा भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, और दो नए कॉप्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस फिल्म से जिन्हें निभा रहे हैं दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ। विलन्स का रोल निभा रहे अर्जुन कपूर, और सूर्यवंशी में दिखे थे जग्गू दादा भी अपने रोल को रिप्राइज कर रहे हैं, तो बिरू कॉपी कॉप है इस फिल्म में। वही इस फिल्म से दिवाली में फिर रही है भूल भुलैया 3, जहां कार्तिक आर्यन ध्रुव बाबा वापस आ रहे हैं भाभी 2 यानी कि तृप्ति डिमरी के साथ। विद्या बालन वापस आ रही है जिन्होंने भूल भुलैया 1 में मंजुलिका का किरदार निभाया था, और माधुरी दीक्षित भी इस कास्ट में शामिल है। डायरेक्टर के चेयर में पार्ट 2 के बाद वापस आ रहे हैं अनीस बाजमी। कई दिनों से अटकली चल रही थी कि सिंघम 3 जिसे कहा जा रहा है सिंघम अगेन हो गई है डिले, पर रिसेंटली कई भरोसेमंद बॉलीवुड साइट्स ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं है, भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3 का धमाका इस दिवाली में पक्का होगा। क्या सलमान खान भी दिखेंगे सिंघम अगेन में? एक फोटो इंटरनेट में वायरल हो रहा है जहां अजय के बगल में दिखते हैं सलमान खान उनके दबंग किरदार चुलबुल पांडे के रूप में, पर भाई साहब ये फोटो फेक है, किसी ने जोड़ तोड़ कर ये फोटो बना दिया है। लेकिन रोहित शेट्टी ने रिसेंटली हिंट किया कि बहुत स्पेशल एक्टर अपीयर होगा इस फिल्म में, जिसके बिना सिंघम 3 इनकम्प्लीट है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में कहा, सिंघम इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस हीरो। इस दिवाली में स्कॉर्पियो आएगी भी घूमेगी भी, लेकिन एंट्री किसी और की होगी। तो ये सलमान खान इस चुलबुल पांडे पर इशारा हो सकता है जिस पर बात 2022 से चल रही है। अक्षय कुमार फिर से कर रहे हैं एक और फिल्म, नहीं यार। पर इस बार ये फिल्म स्पेशल है क्योंकि उनकी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टर जिन्होंने उनके साथ कुछ आइकॉनिक कॉमेडीज की है। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर प्रियदर्शन की, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ हेरा फेरी, भागम भाग, भूल भुलैया 1, गरम मसाला समेत कई आइकॉनिक कॉमेडीज की है। 14 साल बाद वो दोनों वापस आ रहे हैं एक नई फिल्म के साथ जिसे अनाउंस किया गया अक्षय कुमार के बर्थडे पर। इसका नाम है भूत बंगला और ये होगी एक हॉरर कॉमेडी जिसे प्रोड्यूस करेगी बालाजी फिल्म्स। एक मोशन पोस्टर के साथ अनाउंस हुई ये फिल्म जहां अक्षय दिखते हैं काली बिल्ली के साथ और पीछे दिखती है एक भूतिया हवेली। फिल्म की शूट शुरू हो जाएगी दिसंबर 2024 से एक स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में। क्या प्रियदर्शन अक्षय की जोड़ी अक्षय को हिट फिल्म दे पाएगी जो काफी दिन से नहीं मिली उनको? होपफुली, पर जिस स्पीड से अक्षय कुमार की फिल्म मंथली EMI की तरह आती जा रही है, हो सकता है ये फिल्म भी उसी भीड़ में खो जाए। थोड़ा कम पिक्चरें करो अकी पाजी, नहीं तो लोग आपको देखने के लिए आना बंद कर देंगे और शायद ऑलरेडी कर चुके हैं। थैंक्स, लव यू। रणबीर कपूर करने वाले हैं डबल रोल नीतीश तिवारी की रामायण में, और अमिताभ बच्चन की हुई एंट्री इस फिल्म में। नीतीश तिवारी की रामायण जो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई, इसकी कुछ और खबरें आई है। जहां अटलों के मानी जाए तो रणबीर कपूर दिखेंगे श्री राम के रोल में और विष्णु भगवान के एक और अवतार परशुराम के रोल में भी। परशुराम का एक छोटा पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस फिल्म में, जहां उनका कन्फ्रंटेशन दिखाया जाएगा श्री राम के साथ जब वो भगवान शिव के धनुष को तोड़ देंगे सीता जी के स्वयंवर के दौरान। परशुराम के रोल के रणबीर को मेकअप करवाया जाएगा ताकि थोड़ा अलग लगे भाई साहब, और एक्टर तो रणबीर कमाल के हैं ही, तो कमाल ही कर देंगे दोनों रोल में मुझे यकीन है। वही अमिताभ बच्चन को कास्ट कर लिया गया है इस फिल्म में, पर वो दिखेंगे नहीं, उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देगी एज वो निभाने वाले हैं जटायु का रोल इस फिल्म में। जटायु वो पक्षी थे जिन्होंने रावण के खिलाफ लड़ा था जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, और इस मुठभेड़ में जटायु की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ये कैमियो रोल होगा। AB की आंखों का स्कैनिंग कर लिया गया है, जो आंखें जटायु में दिखेगी जब VFX के थ्रू जटायु को दिखाया जाएगा फिल्म में। तो पूरा तामझाम किया जा रहा है ताकि आदि पुरुष का बुरा सपना हम सब भूल जाए और एक नए रामायण को वेलकम करे। यश जो इस फिल्म में रावण का रोल निभा रहे हैं, वो इस फिल्म के शूट को ज्वाइन करेंगे दिसंबर 2024 से। सनी देओल तो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, उनका शूट शुरू होगा समर 2025 से बॉर्डर 2 के शूट के खत्म होने के बाद। रणबीर, यश और सनी के कॉम्बिनेशन शूट होगी मिड 2025 से। पूरे फिल्म का शूट अगस्त 2025 तक खत्म हो जाएगा अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो।
बॉर्डर टू की कास्टिंग में एक और सुपरस्टार का एडिशन हो गया वरुण धवन के बाद, जो अब सनी देओल को ज्वाइन करेंगे इस वॉर फिल्म में, वो है सिंगिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, जो होंगे इस फिल्म का पार्ट। यानी दिन प्रतिदिन फिल्म की कास्टिंग एक्साइटिंग होती जा रही है। वही राजकुमार राव श्रद्धा कपूर स्टार 3-2 500 करोड़ कमा चुकी है, सबसे बड़ी हिट बनने की कगार पर है ये फिल्म। उसी बीच मेकर्स ने एक फोटो अपलोड किया जहां दिखे लीडिंग स्टार राजकुमार राव लड़की बने हुए 3-2 के सेट पर। ये एक्चुअली 3-2 का डिलीटेड सीन है जो पहले टीजर में भी दिखा था। मेकर्स ने रिवील किया क्या होने वाला था इस सीन में। एक्चुअली बिट्टू, रुद्रा, विक्की और जाना यानी अपाक्षति खुराना, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव और अभिषेक बैनर्जी का किरदार रिस्पेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि अगर उनको सरकटे को पकड़ना है तो उनमें से एक को लड़की बनना पड़ेगा, क्योंकि सरकटा सिर्फ लड़कियों को ही पकड़ता है और ये लड़की बनने का काम करता है विक्की। पर उसके बाद जाना उसे पहचान नहीं पाता और करता है उसके साथ फ्लर्ट, यानी सर कटा नहीं दिमाग कटा मिल गया विक्की को जाना के रूप में। ये बढ़िया था गुरु। जहाँ राजकुमार राव की बात हुई, उनकी एक बड़ी फिल्म अनाउंस हुई है जहाँ वो बनेंगे मसाला हीरो, यानी 50 विलन को अकेला मारने वाला हीरो बनेगा राजू, बहुत मजा आएगा। एक पोस्टर उनके बर्थडे के दिन अनवील किया गया जहां वो खड़े हैं जीप पर सफेद कपड़ों में बंदूक के साथ। इस एक्शन थ्रिलर में वो गैंगस्टर बनेंगे होपफुली, जो हाल मनोज वाजपेयी की कमर्शियल फिल्म भैया जी का हुआ वो इस फिल्म का ना हो, बड़ी बेकार फिल्म थी वो। फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट एप्स के कुछ सेट फोटोज में मिला द थिंग का फर्स्ट लुक। एक स्टैंडर्ड एक्टर को देखा गया प्रैक्टिकल सूट के साथ जहां द थिंग का आईब्रोज कॉमिक्स की तरह ही बड़े बड़े हैं, तो क्या प्रैक्टिकल इफेक्ट से बनेगा द थिंग? और मार्वल अपनी फेवरेट मोकैप सूट का इस्तेमाल नहीं करेगा इस किरदार को दिखाने के लिए, इस पर क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये हो सकता है ये स्टैंडर्ड के लिए रखा गया है ताकि इसके साथ शूट किया जाए और बाद में एबॉन मॉस बैकरैक मोकैप से इस किरदार को निभाए, क्योंकि ये कोई और एक्टर है जिसने ये सूट पहना है, एबॉन नहीं है इस सूट में। वैसे 2005 की फैंटास्टिक फोर में माइकल चिक्लिस जिन्होंने द थिंग का किरदार निभाया था उन्होंने प्रैक्टिकल सूट ही पहना था, तो ये पहली बार नहीं होगा अगर ये हुआ तो। जहाँ एबॉन मॉस की बात हुई वो एक और सेट फोटो में दिखे हैं एक्ट्रेस नताशा लियोने के साथ, जो इस थ्योरी को बल देता है नताशा द थिंग की गर्लफ्रेंड अलिशा मास्टर्स का किरदार निभा रही होंगी, जो देख नहीं सकती और एक स्कल्प्टर है। अगर नताशा अलिशा है तो उसके पिता फ्रिज मास्टर भी इस फिल्म में होंगे ही, जो एक फैंटास्टिक फोर विलन है जिसे निभा सकते हैं जॉन मैल्कोविच, जो फिल्म का पार्ट है। कुछ हॉलीवुड न्यूज में डायनासोर्स की दुनिया में एक और अनाउंसमेंट हुआ है जो कि है जुरासिक फ्रेंचाइज की नई फिल्म नए स्टारकास्ट के साथ। इस नई फिल्म का नाम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, जिसकी स्टारकास्ट को हेडलाइन कर रही है स्कारलेट जोहानसन, और जिस बंदे से ब्लेड नहीं हो रहा है मार्शल अली भी इस फिल्म का पार्ट है। कुछ फोटोज रिलीज किया गया जो पुरानी फिल्म की याद दिला रही है। फिल्म एक साल में तैयार हो जाएगी, क्योंकि कहानी के नाम पे लिखना है क्या है इनको, कुछ नहीं, बस डायनासोर्स खुल गए अब लोगों को मार रहे हैं और कुछ साइंटिफिक जार्गन ऐड कर दो इसमें। प्रोड्यूसर्स फिल्म को जुलाई 2025 में रिलीज करना चाहते हैं, जी हां वही महीना जब जेम्स गन की सुपरमैन मूवी और एमसीयू की फैंटास्टिक फोर रिलीज हो रही है। क्या कर रहे हैं ये लोग? कंट्रोल डीसी न्यूज में जेम्स गन के कनाडा यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न पर बन रही है एक सीरीज लैंटर्न्स। ग्रीन लैंटर्न एक ग्रुप ऑफ सुपरहीरोज को कहा जाता है जो है डीसी के स्पेस कॉप्स, जिनके पावर्स का सोर्स है एक अंगूठी जो ग्रीन पावर्स एग्जीक्यूट करती है। इन ग्रीन लैंटर्न्स में दो सबसे फेमस नाम है हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट का, जो एक शो को हेडलाइन करेंगे जहां हैल इसे 2011 की फ्लॉप मूवी ग्रीन लैंटर्न में रायन रेनॉल्ड्स ने निभाया था। इस सीरीज में एक एजेड ग्रीन लैंटर्न होगा जो इसने अपने करियर में कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया है ग्रीन लैंटर्न की दुनिया में। ऑन द अदर हैंड जॉन एक यंग रूकी होगा जो ग्रीन लैंटर्न की दुनिया में नया नया शामिल होगा और दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे एक मिस्ट्री। इसके अलावा नेथन फिलियन भी दिखेंगे सीरीज में एज एक और ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर, जो सुपरमैन वाली फिल्म में भी दिखने वाले हैं। हैल के लिए आर्टिकल के मुताबिक अप्रोच किया गया है एमसीयू के थानोस और डेडपूल के केबल जॉश ब्रोलिन को। ब्रोलिन की उम्र 56 के करीब है, जो काफी ज्यादा उम्र है। मुझे लगा था डीसी वाले थोड़ा यंगर लेट 40s वाले किसी एक्टर को अप्रोच करेंगे हैल के रोल के लिए, अभी तक ब्रोलिन ने हामी नहीं भरी। अगर उन्होंने हामी भरी तो वो एकमात्र एक्टर बन जाएंगे जिन्होंने 3 सुपर हीरो फ्रेंचाइज में आइकॉनिक किरदार निभाए थे, थानोस, केबल और अब शायद हैल जॉर्डन। DCU के एल्सवर्ल्ड से द बैटमैन की कुछ खबरें आई है, जहां डायरेक्टर को राइटर मैट रीव्स ने कंफर्म किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम खत्म हो गया और अगले साल से फिल्म की शूट शुरू हो जाएगी। द बैटमैन 2 का रिलीज डेट अक्टूबर 3, 2025 से अब अक्टूबर 2, 2026 में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैट भैया काफी आलसी हैं। मैट ने यह भी कंफर्म किया कि कॉलिन फेरल का किरदार ऑज एके द पेंगुइन, जिसे अपना सीरीज भी मिल रहा है जो आ रही है सितंबर को ही, वो भी देखेंगे सीक्वल में, जहां बैटमैन एक और मिस्ट्री को सॉल्व करेगा जो रिवॉल्व करेगा गौतम सिटी में प्रिविलेंट करप्शन के ऊपर। क्योंकि अटकलें चल रही थी कि जेंटलमैन घोष नाम का विलन इस फिल्म में दिखेगा, मैट ने इसे भी खारिज किया, ये कह के कि वो नहीं चाहती कि उनकी फिल्म बैटमैन के फैंटास्टिकल साइड में जाए, उनका बैटमैन का इंटरप्रिटेशन हमेशा ग्राउंडेड रहेगा। हमारा रिश्ता फैंटास्टिकल नहीं फैंटास्टिक हो सकता, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो तो नोटिफिकेशन घंटी बजा देना ताकि वीडियोस की अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। जिगरा मूवी के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे बॉलीवुड हॉलीवुड सुपर हीरो की दुनिया से खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू।
जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।